नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट स्टूडेंट्स का इस वीडियो लेक्चर में फिर से स्वागत है। अपने पढ़ रहे हैं जीवाश्म पादप राइनिया। जैसे कि आपको बताया पहले, टेरिडोफाइटा के जीवाश्म जो अपने को प्राप्त हुए, कई सारे जीवाश्म पादप थे, उसमें से एक जीवाश्म पादप अपने सिलेबस में है और वो पढ़ रहे हैं अपने राइनिया, जीवाश्म पादप राइनिया। और राइनिया की सबसे पहले अपने वर्गीकरण स्थिति पढ़ी। टेरिडोफाइटा में कौन से ग्रुप का सदस्य है? साइलोफाइटा का, यानी कि अपने टेरिडोफाइटा में जब पढ़ेंगे तो उसमें वर्गीकरण है साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, स्पिनोफाइटा और टेरोफाइटा। उसी के अंतर्गत अपने ये चीजें सारी पढ़ेंगे। साइलोफाइटा में राइनियल, राइनियसी फैमिली के अंदर राइनिया रखा है। दो जातियां आपने पढ़ी है, राइनिया मेजर और राइनिया विनवागेनाई। अब अपने बात करते हैं राइनिया में जनन। राइनिया में जनन बीजाणु धानियों के द्वारा, बीजाणु धानी में पाए जाने वाले बीजाणुओं के द्वारा होता है। यानी कि राइनिया के वायवीय भाग पर जो एकल शीर्षस्थ बीजाणु धानिया, सिंगल टर्मिनल स्पोरेंजिया लगे रहते हैं, उन बीजाणु धानियों से बनने वाले जो स्पोर होंगे उनसे क्या होगा? जनन होगा। और ये बीजाणु धरातल पर गिरकर किसका निर्माण करेंगे? गेमेटोफाइट का। तो ये जो बीजाणु धानिया थी वो 12 मिलीमीटर लंबी तथा 4 मिलीमीटर व्यास की थी। बीजाणु धानी की भित्ति मोटी जो स्पष्ट तीन लेयर्स में बंटी होती थी, आउटर, मिडल और आंतरिक लेयर। मध्य स्तर जो होगा वो तीन कोशिकीय स्तर का बना हुआ था और भित्री जो स्तर था वो पतली भित्ति युक्त कोशिकाएं थी, जिसको टेपिटम कहते हैं। टेपिटम क्या करती है? पोषण प्रदान करने में, जो स्पोर बनेंगे उनके पोषण ग्रहण में सहायक होती थी। टेपिटम टूट जाती थी और टूटकर क्या करती थी? स्पोर्स को पोषण प्रदान करती थी। तो इस प्रकार राइनिया पादप का स्पोरोफाइट जो कि द्विगुणित था, यह जनन के द्वारा बीजाणु धानियों का निर्माण करता था और ये बीजाणु धानियां शीर्षस्थ भागों पर लगी होती थी जो कि पियर शेप नाशपति आकार की थी और आंतरिक भित्ति इसकी टेपिटम के रूप में। बीजाणु धानी में अनेक स्पोर टेट्राड, स्पोर टेट्राड मतलब एक कोशिका में विभाजन से चार अगुणित कोशिकाएं बनती है और ये अगुणित कोशिकाएं एक क्रम में व्यवस्थित रहती है और उस व्यवस्था को बोलते हैं स्पोर टेट्राड। ये तीन स्पोर हुए और एक इसके पीछे की ओर साइड में है। थ्री डायमेंशनल में देखोगे तो चारों दिखते हैं, तो तीन आगे की तरफ और एक पीछे की ओर, चार स्पोर पाए जाते हैं और इसलिए इसको स्पोर टेट्राड कहते हैं। राइनिया एक सम बीजाणु होमोस्पोरस टेरिडोफाइट था और इसके बीजाणुओं का आकार 40 म्यू था तथा इसकी भित्ति काफी मोटी थी। यानी कि स्पोरेंजिया और स्पोर की भित्ति के आधार से अपने अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम का जो एनवायरनमेंट था वो थोड़ा सा जीरोफिटिक था, मतलब जल की थोड़ी कमी थी, इसलिए इनकी सेल्स, इनकी भित्ति क्या थी? काफी मोटी थी। और जो परिवर्धन था यू स्पोरेंजिएट प्रकार का, यानी कि अनेक कोशिकाओं से बीजाणु धानी का जो परिवर्तन हुआ वो अनेक कोशिकाएं, एक से अधिक कोशिकाओं से बीजाणु धानी का विकास हुआ, इस प्रकार का परिवर्तन क्या कहलाएगा? यू स्पोरेंजिएट प्रकार का परिवर्तन। गेमेटोफाइट क्योंकि यह जीवाश्म पादप है इसलिए अपने को ओरिजिनल गेमेटोफाइट तो मिले नहीं, जो भी जीवाश्म के रूप में मिले वही उसी की स्टडी की
तो इसकी गैमेटोफाइट के बारे में स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है, परंतु लियोन नामक वैज्ञानिक को 1957 में रैनी स्थान जहां पर ये जीवाश्म मिले थे वहां पर कुछ स्पोर्स अंकुरित होते हुए मिले जिनमें जर्म ट्यूब थी और उसके अगले भाग पर बहुकोशिकीय संरचनाएं थी। ये बहुकोशिकीय संरचनाएं हो सकता है कि क्या थे, गैमेटोफाइट थे। ये इस प्रकार की बहुकोशिकीय संरचनाएं मिली और ये हो सकता है कि क्या है, राइनिया के गैमेटोफाइट थे। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार राइनिया विन बागेनाई एक गैमेटोफाइट, इसकी स्पीशीज या इसकी जनरेशन है किसकी, राइनिया मेजर। तो यानी कि पूरी तथा पंत नामक विज्ञानी के अनुसार जो राइनिया विन वागेनाई जाति थी स्पीशीज, वह राइनिया की जाति ने होकर इसका गेमेटोफाइट है और राइनिया मेजर ही केवल क्या है, स्पोरोफाइट पादप है। यानी कि राइनिया पादप में एक जाति है राइनिया मेजर, और राइनिया विन वागेनाई जिसको अपने कह रहे हैं ये इसी का क्या है, गेमेटोफाइट है। परंतु इसके बारे में आगे की ठोस स्टडी और जीवाश्म नहीं है, इस कारण अपने इस बारे में अभी तो यही पढ़ेंगे कि राइनिया की दो जातियां हैं, राइनिया मेजर और विन वागेनाई, और इसके स्पोर गिरकर अंकुरित होकर किसका निर्माण करते हैं, गैमेटोफाइट का। धन्यवाद।